राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की साझेदारी राजद ने अपने ही सरकार के कार्यकलापों पर सवाल उठाया है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे रंजन कुमार ने लालजी यादव की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। सर, सरसरी तौर पर हम लोग को लगता है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके मृत्यु हुई है और ये आत्महत्या का रूप लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि इसमें एसपी के पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट है और इसके अलावे वहाँ का जो डीएसपी से जो झूठा मूठा जांच करा करके उन्हें निलंबित किए थे, डीएसपी भी इन्वॉल्व हैं, डीटीओ भी इन्वॉल्व हैं और इस पर हम लोग जब तक सीबीआई के जाँच हाईकोर्ट से के निगरानी में नहीं कराया जाएगा तब तक उचित न्याय नहीं मिलने की आशंका है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसके सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के निगरानी में निश्चित रूप से कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी इसका इंसाफ मिल सके। सरकार चल रही है लेकिन जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। देखिए, इसमें कहीं पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, बात इसमें है एक प्रशासनिक अफसर की जिन्होंने दिन रात सेवा करके लोगों की रक्षा करता है और उसकी आत्महत्या का रूप दिया जाता है जबकि हत्या होती है। तो हम सरकार से, चूंकि सरकार में है इसके नाते सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्च स्तरीय जांच कर, जो सीबीआई जांच होता है उच्च स्तरीय जाँच कर इस मामले में जल्द से जल्द निपटारा कर जो दोषी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी जो सजा हो सजा दिया जाए ताकि आगे से, देखिए पहले भी रूपा तिर्की की इस तरह की घटना घटी जिसका कि सीबीआई जांच कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और अभी इस मामले में कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना पड़े, इसमें अपने आप सीबीआई जांच कर इसमें निष्पक्ष जो है उसको दूध का दूध पानी पानी कर जो सजा दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, अभी अभी जो उनके परिजन हैं वो री पोस्टमार्टम का मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन को चाहिए कि तुरंत री पोस्टमार्टम कराने का व्यवस्था करना चाहिए। और जिस तरीके से आप देखिएगा कि कोई भी आदमी अगर अपना जीवन के लीला को समाप्त करना चाहेगा तो कुछ दिन पहले बुडबू थाना का मालखाना का प्रभार देने गए हुए थे, क्या ज़रूरत थी अगर ऐसी उनकी आत्महत्या करने की मंशा होती। ये पूरे तरीके से हत्या है और इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। पहले ही रूपा तिर्की के मामले में झारखंड सरकार की किरकिरी हो चुकी है और ये दूसरी बार इस तरह का घटना घट रहा है। प्रदेश में जितने भी एसटी एससी ओबीसी समुदाय के होनहार ऑफिसर है उनके साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मैं चाहता हूं कि वहां के जो डीटीओ थे, वहां के जो पलामू के जो एसपी थे, खनन पदाधिकारी थे, ये पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और इनकी पूर्ण रूप से हत्या की गई है। इसकी निष्पक्ष जाँच झारखंड सरकार को तुरंत सीबीआई जाँच का अनुशंसा कराना चाहिए, अन्यथा हम लोग जोरदार तरीके से सिलसिलेवार तरीके से जब तक जाँच न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन करेंगे। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।